अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू रमादान व्लॉग। हमारे वहाँ ब्रेड के पता नहीं कौन सी डिश बन रही थी, मुझे नाम नहीं पता है। तो इसके अब सबसे पहले ब्रेड को पानी में डिप करके उसको अच्छे से मैश कर लेंगे। फिर उसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च मिलानी है। और ये बहुत टेस्टी बना था, आई थिंक इसको पता नहीं क्या कहते हैं। और इसमें क्रश किया हुआ आलू मिलाना है, और चाट मसाला, गरम मसाला, बहुत सी गरम मसाला बता रही, चाट मसाला और भी बहुत सारे मसाले जो आपको अच्छे लगते हैं वो मिला सकते हैं। नमक मिर्चा वो सब कुछ मिला सकते हैं जब इसको। हाँ तो बाजी, अब क्या बना रही हैं? अब इसमें क्या मिक्स किया जाएगा बाजी? ये क्या डाल रही हैं आप? इसका नाम तो बताइए। अरे बाजी तो बोल ही नहीं रही हैं। हमको नहीं पता। नहीं आप बना रही ना, आप बताइए कि क्या क्या डाला जा रहा है ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले। मसाला। नहीं ये क्या डाला है? ये मैश किए हुए आलू। अच्छा क्रश किए हुए आलू। मैं हाँ क्रश किए हुए। और वो कम है, नमक डालना। बस 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 बस। और बोलिए टेस्ट एकदम। ये थोड़ा सा डालिएगा, ये चाट मसाला किसका? आरपी का। आरपी कौन सी कंपनी होती है मुझे तो नहीं पता। हम डालेंगे थोड़ा सा रेड चिल्ली ताकि जो लोग दूसरे की जिंदगी में मिर्चा घोल रहे हैं वो इसमें भी घोल के खा लें। अब हम डालेंगे सॉल्ट। जिनकी जिंदगी में नमक नहीं है वो यहाँ पर नमक खाए। आगे अपने खानों में नमक मिला के खाए। इसमें नमक नहीं। इस सबसे बड़ी बात आज हम आपको बताते हैं, इस जो नमक है हमारे वहाँ इसमें नमक ही नहीं है। जब आप एक चम्मच डालेंगे तब आपको आधे चम्मच का टेस्ट आएगा नमक का, समझ सकते होंगे आप। अब ये यह राइस फ्लोर। मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, यानी कि मैश करेंगे। मैश ये डाल देंगे अपनी वॉइस में। ये तैयार किए जा रहे हैं ब्रेड के, वहीं पकौड़े जैसे थे, और बीच में बन रही खट्टी मीठी चटनी गुड़ डाल के, बहुत टेस्टी लगी, आप ही ट्राई करिएगा। और किनारे बन रहे थे वो आलू के पकौड़े। Thank you.
कि जब हम मैगी बना रहे थे, मैगी में तेल डाल के उसके अंदर प्याज और हरी मिर्च डाल दी गई थी, वो फ्राई हो रही थी, फिर उसके बाद टमाटर, उसमें हल्का सा कोरिएंडर भी पड़ा था बारीक कटा हुआ, तो वो सबसे पहले फ्राई की। और ये अफ्तार की वो है, उसमें बताशे और मैगी और चने और वो ब्रेड सबसे लास्ट में आए थे ब्रेड पकौड़े, इसलिए ऐसे ही रखे गए वो बताशों के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।